देखो बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि मैं आज सुबह से ही क्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई की कंसेप्ट बता रहा हूँ। पहली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें कि बच्चों को पहाड़े याद नहीं आते हैं, दूसरी बनाई थी उसमें भी बच्चों को पहाड़े नहीं आते हैं, वो गुणा कर सकते हैं और बार बार अंकों को जोड़ने के बाद भी गुणा वाले सवाल हल हो जाते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं मैंने बताई थी जापानी मेथड, अब मैं बता रहा हूँ नेपियर स्ट्रिप से गुणा कैसे। तो देखिए ध्यान से, कितने अंक है पहले वाले में? दो, एक दो, दूसरे वाले में एक दो। बड़ा भी ले सकते हैं, जरूर नहीं हम यही करें। अगर हम ये ले लें 2 3 4 4 3 2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम पहले छोटा वाला बता रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, इस तरीके से ये बना लोगे। कितने अंक है इसमें? दो, दो ना, ऐसे कर लो, कर लोगे। और दे ये वाले दो अंक यहाँ लिखो, पहले अंक इसमें खाने में दो, इसमें ऊपर तीन, ऊपर लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो है, ऐसे दो, ऐसे भी कर लो। ये वाला तीन यहाँ पर और ये वाला दो, बोलो किसके समझ पाएगा। ये वाले अंक ये लिखिए, ये वाले अंक नहीं आई समझ में, जल्दी बोलो। सूरज आ गई, इतना कर लोगे? यस सर। आगे चले? यस सर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब सुनो ध्यान से, देखते जाओ, लिखना नहीं है, लिखने को बाद में लिख सकते हो। ये लाइन ऐसे खींच दी प्यारे बच्चों, ये लाइन ऐसे खींच दी, ये लाइन ऐसे कर लोगे? बोलो यस सर। सब में हिम्मत है ये? यस सर। अब देखो ध्यान से, छोटे छोटे ये गुणा है, तीन की गुणा इससे करो, तीन गुणा तीन गुणा तीन दूनी कितना आएगा? छह। तो छह को ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, जीरो और छह दो अंकों का, कितने अंकों का? दो। तो ये जीरो इसमें लिखो, इस वाले खाने में, और छह इसमें लिखो, बोलो किसके समझ में आता है? ओके, अब इसकी गुणा इससे करो, मतलब तीन गुणा तीन, इसकी गुणा इससे, तीन तिया नौ, नौ के आगे जीरो लगा लो, दो अंकों का लिखते हैं। तो जीरो तो लिखोगे इस वाले बॉक्स में, नौ लिखोगे किसके समझ में आई? वेरी गुड। अब इसकी बात आ जाओ, इसकी गुणा इससे करो, दो गुणा दो, इसकी गुणा इससे, दो दुनी जीरो, आगे बढ़ा दो, क्योंकि दो खाने हैं इसलिए कर रहे हैं वैसे। तो जीरो इसमें लिख दो और चार इसकी गुणा इससे कर दो, दो गुणा तीन, दो तिया छह, जीरो आगे और जीरो इसमें लिख दो, अच्छे बोले। इतना खाने भर लेगा कोई बच्चा? कोई परेशानी? कोई टेंशन? नो टेंशन। अब देखिए क्या करेंगे, आंसर कैसे आएंगे। ये छह है, यहाँ पर छह लिख दो, लिख लोगे छह का छह ही छह, कहने का मतलब। अब ऐसे जोड़ोगे, देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे नौ और में जीरो जोड़ोगे तो नौ आएगा, नौ में चार जोड़ो कितने हो जाएंगे? तेरह। बोलो किसके समझ में आई वाली बात? अब इसी तरीके से इसको तिरछा वाला जोड़ोगे, इसको और इससे, जीरो में छह जोड़ोगे कितना जाएंगे? जीरो छह आ जाएंगे, छह में जीरो जोड़ोगे कितना जाएंगे? वेरी गुड। अब इसको इससे जोड़ो, यहाँ पर तो जीरो है तो जीरो लिख दो, बोलो यहाँ तक कौन समझा? समझ में आया? अब इसका उत्तर कैसे आएगा? देखो ये गुणा हो रही है, पहला तो था जीरो, जीरो लिखेंगे नहीं, ये छह, दूसरा कितना आया था हमारा? तीसरा कितना आया या? बोलो यार, अभी आंसर नहीं आया, ये आंसर क्योंकि अब देखो छह का छह लिखो, यहाँ पर तेरह है, तेरह की कितने लिखनी हो?
आसन आएगा वो उसमें जुड़ जाएगा, जोड़ो कितना जाके सात, ये आ गया आंसर 736। थैंक यू वेरी मच।